नमस्कार एंड वेलकम टू रुद्र लाइफ। वी जस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ द फेस्टिवल सीजन एंड द सेलिब्रेशंस। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द दिवाली सेलिब्रेशंस, बट लाइफ गोज ऑन इवन आफ्टर फेस्टिवल्स। द रियलिटीज ऑफ लाइफ स्टिल रिमेन द सेम। कीपिंग दैट इन माइंड, वी आर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ संकल्प पूजाज दैट वी हैव हैड इन द पास्ट। And this time, on the 27th of November, we have the Kal Bhairav Maha Anushthan. Now, 27th November also happens to be the Kal Bhairav Jayanti. But there are certain aspects of the Kal Bhairav form of Lord Shiva that are still not clear in many people's mind actually. So we need a little clarity about that. What we're going to find out today is about the Kal Bhairav form of Lord Shiva and the Kal Bhairav Maha Anushthan that we have on the 27th of November. We have none else than Mr. Akash Mishra, who is an expert on Rudraksha, Pujas, Puja rituals and some Tantric practices also. He is the best person who can answer most of our queries. Akashji. Namaskar. Well, the Kal Bhairav form of Lord Shiva evokes a lot of interest in people, but not many people know exactly what is the speciality of this incarnation or avatar of Lord Shiva. Naji, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा या एक जिज्ञासा जिस हम सभी के मन में रहती है कि काल भैरव कौन है, उनका स्वरूप क्या है, शिव जी के साथ उनका क्या नाता है, क्या रिश्ता है। तो वेदों में शाक्त और शैव तंत्रों में शिव जी की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। एक कहानी शिव पुराण में ये आती है कि ब्रह्मा जी जो विश्व ब्रह्मांड के रचयिता हैं, एक बार उनके मन में अहंकार आया कि चूँकि मैं विश्व का रचयिता हूँ और मेरे पांच सर हैं तो मैं श्रेष्ठ हूँ, नारायण मुझसे निम्न स्तर के हैं और मैं शिव जी के समकक्ष हूँ क्योंकि उनके भी पांच सर हैं और वो जो कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ। तो सृष्टि रचयिता के मन में ऐसा अहंकार का आना सृष्टि के तालमेल को बिगाड़ने लगा। तब शिव जी ने उनको दंड नहीं, उनको सौम्य करने में, उनके अहंकार को, अहंकार का नाश करने के लिए उन्होंने अपनी जटा, एक जटा तोड़ी, उस पर पृथ्वी में पटका तो वहाँ से भैरव की उत्पत्ति हुई जो उन्हीं का अंश माना जाता है। और उस भैरव ने ब्रह्मा जी का पांचवा सर काट लिया। इससे पहले उनको पंचानन कहा जाता था, पंचानन माने जिनके पाँच सर हो। और ये अहंकार ही ये कारण है, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, दानव हो, उनका पतन ही होता है। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका पतन हो किसी भी रूप में। एक तो ये कहानी हो गई। इसका ज्ञानियों ने इसके भैरव की व्याख्या ऐसे भी की है, जो भ अक्षर है भैरव का, वो सृष्टि की रचना को दर्शाता है। र अक्षर जो है वो सृष्टि का पालन करता है और व अक्षर जो है सृष्टि का संहार करता है। तो इस तरह से, और ये तीनों क्रिया और प्रक्रिया ये अनवरत चलती रहती है। इट गोज ऑन एड नॉसियम, इट कंटिन्यूस। काल का एक अर्थ ये भी है जो काल के परे हो। शिव जी को कालातीत कहा जाता है, काल भैरव कहा जाता है, काल के परे कहा जाता है। बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम कंटिन्यूम। तो इस तरह से शास्त्रों में और तंत्र शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में इनकी उपासना खास तौर से बटुक भैरव से, बटुक भैरव में की जाती है। खास करके जो कापालिक होते हैं, अघोरी होते हैं, वो उनकी साधना करते हैं।
अपने अंदर की वृत्तियों को शमन करने के लिए, उनका दमन करने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं। ये इस तरह से एक मोटा मोटा स्वरूप माना गया है काल भैरव जी का। और ये जो काल भैरव महानुष्ठान, ये अन्य पूजाओं से किस तरह विशेष या महत्वपूर्ण है? काल भैरव की पूजा का अर्थ होता है जैसे, या इसके पीछे की एक छोटी सी छोटा सा व्याख्या मैं करना चाहूँगा कि जैसे हमारे दर्शक भी जानते होंगे, आप भी जानते हैं कि दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था तो उसमें शिव जी को आमंत्रण नहीं किया था, फिर सती और उनका देहावसान हम सभी उसके विषय में जानते हैं। तो जब सती देवी का शरीर लेके कंधे पे शिव जी तांडव कर रहे थे तो सृष्टि के नाश होने का नाश होने से बचाने के लिए विष्णु जी ने उनके शरीर को 51 भागों में विभक्त किया था, उसको अलग किया था। तो उनके शरीर के अंग जहाँ जहाँ घेरे, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, वहाँ वहाँ देवी के शक्तिपीठों की स्थापना हुई और उनके रक्षक शिव जी को माना गया है। वहाँ शिव जी भैरव के रूप में स्थापित हैं शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए। जैसे आज के युग में भी हम देखते हैं, जैसे महाकालेश्वर है उज्जैन, काशी विश्वनाथ, वहाँ पे भैरव की पूजा होती है कोतवाल के रूप में। और इसके तो ये नहीं, सिर्फ काल भैरव की पूजा करने से हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसमें विष्णु भी आते हैं, इसमें देवी शक्ति, आदिशक्ति, दुर्गा, पार्वती, जो भी आप उनको कहें। तो ये एक सम्मिलित बेनिफिट देता है। उसमें श्री भी आ गए, जहाँ नारायण है वहाँ श्री हैं, जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति हैं। तो ऐसा कोई इस परिस्थिति में, देश काल में, कि शिव जी जो उसकी मनोकामना को पूरा ना कर सके, इसमें आयु आ गया, इसमें आरोग्य आ गया, इसमें सुख संपत्ति के साधन आ गए, इसमें हर प्रकार के, जैसे ग्रहों से परेशानी होते, बहुत लोग परेशान होते हैं, अनुकूल नहीं होते ग्रह, तो नवग्रह के जो दुष्परिणाम होते हैं उनका शमन करता है, आयु देता, ऐश्वर्य बढ़ाता है। शिव जी को तो लोग कहते हैं कि ये अगरदानी हैं या श्मशानवासी, ये कैसे ऐश्वर्य देते हैं? नहीं, एक साधु ही किसी दूसरे को ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसका अपना कोई निर्मोही हो तो उनका अपना कोई लोभ नहीं होता है। तो शिव जी से देने वाला और कोई नहीं है बड़ा, और ऐसा शायद ही कुछ हो जो वो ना करने में सक्षम। बस हम अपने आप में ये विश्वास रखें, शिव जी मेरे अंदर ही हैं, वो हमारे आत्मा में विद्यमान है। और क्या विशेष बेनिफिट या व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल बेनिफिट्स दैट वन कैन डिजायर फ्रॉम? सी, लाइक आई सेड, द बेनिफिट्स आर इननुमरेबल। वी ह्यूमन बींग्स वी कैन नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू इट, बट वॉट वी आर डूइंग इन दिस पूजा और दिस अनुष्ठान बाई द आवर वैदिक पंडित्स इज वी विल चांट द काल भैरव मंत्र। आफ्टर चांटिंग ऑफ द काल भैरव मंत्र देयर विल बी होम विद दशांश हवन, देन वी विल बी चांटिंग दिस काल भैरव अष्टकम रिटन बाय जगतगुरु शंकराचार्य, वेयर इन 8 श्लोकस शंकराचार्य जी हैज एक्सप्लेन्ड द एंटायर फॉर्म पर्सनैलिटी ऑफ शिवा, यू कैन से इन ए सॉर्ट ऑफ वे, एंड हवन इज ए इम्पॉर्टेंट रिचुअल वेयर द एनी नंबर ऑफ मंत्रस दैट यू चांट, ए टेंथ ऑफ दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड एज ए हवन। So these are the things that we will be doing, or these are the special things that we will be performing. Ashtakam we know
इट्स ए और रादर आई वुड लाइक टू से लाइक शंकराचार्य सेड शक्ति उद्भव भय नाशन वेन एवर द शक्ति इनसाइड अस द डिवाइन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड शिवा अराइजेस वी लूज ऑल आर फियर्स फियर ऑफ डेथ फियर ऑफ इल हेल्थ एलिमेंट्स एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी स्लोली ओवरकम द नेगेटिविटीज विद इन अस I'm not talking about negativities of yours or anyone else. First, clear off the negativity within us first, so that we overcome. And since we are just coming out of the pandemic, people are worried about their education, career, profession, business, home life. So this is an excellent opportunity with the Kal Bhairav Anushthan to overcome all these drawbacks. Will it be safe to say that this Anushthan will help us in killing the demons within us so that a new and powerful and positive self can evolve? Oh, definitely, definitely. This puja is not only for our material prosperity or physical growth and success, it's also for killing the demon within us. And we all have it. Nothing to be ashamed of. I have drawbacks, you have your own drawbacks, but we become human when we try to suppress the reptilian mind, which goads us to for factors like jealousy, envy, greed, ego. So we all can assume that once we go through this puja ritual, we will have a more fulfilling and a more enriching image of ourselves. I cannot say that we become Lord Shiva. At least we can try to be on the path towards that. Yes. Thank you so much, Akashji, for explaining about Kal Bhairav and the specialities of the puja that we are conducting. Thank you. Namaskar. So that would have explained most of the things to you about this puja. There is one small bit that I want to add at this stage actually. This has been there in a lot of people's mind actually. It's about the cost of the pujas actually. Like some people, there are some people who definitely believe that these pujas are sometimes a little bit costly than what they expect it to be like. We would like to explain the mission behind the so-called pujas. You all know that how difficult or how costly at times is to organize pujas individually. The whole idea behind the Salkal Puja is to divide the cost of these pujas across number of yajmans so that it becomes easier for people to approach the pujas. So we want the pujas to be more acceptable to everybody else so that all can derive the benefits of Kal Bhairav deity in this puja or the other deities for whom we do the Salkal puja. Thank you so much.